वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श शिक्षण समिति द्वारा संचालित फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पर आवेदक दुर्गेश कुमार चौधरी ने 420 का मामला दर्ज कराया है। संस्था द्वारा एसटीएससी वर्ग को निःशुल्क शिक्षा देने का वायदा किया गया था, जो संस्था ने पूरा नहीं किया और प्रार्थी से 29,000 रुपए लेने के बाद भी आज तक उनका प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। सर जो है इन लोगों ने पॉम्पलेट के माध्यम से ये भारत सरकार की संस्था बता करके इन लोगों ने फायर सेफ्टी का कोर्स कराने के लिए जो है लोगों ने वो किया था, पॉम्पलेट छपवाया था। तो और नौकरी का जो है नौकरी भी इसमें 100% नौकरी की भी इन लोगों ने गारंटी दिया था कि इसमें हम लोग आपकी पूरा लगा के देंगे करके इस टाइप से। और उसके बाद में जब जब प्रशिक्षण प्राप्त किए तो इसमें एससी एसटी वालों को निःशुल्क और इसमें सहायता भी करेंगे इस टाइप से, जैसे पॉम्पलेट में छपाया था कि एससी एसटी वालों को निःशुल्क रहेगा। और इन लोगों से इनके डायरेक्टर साहब से मिले भी तो बोले ठीक है निःशुल्क रहेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर इन लोग बोलते हैं कि एक जिस तारीख को आने गए उसी तारीख से इन लोगों फिर वो करने लगे पैसे के लिए, वो करने लगे बोले कि अभी फ़िलहाल पे आपको पैसा देना पड़ेगा करके, फिर आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा करके। तो फिर और बोले कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो आपको देना ही पड़ेगा करके। तो ये लगभग इतने तारीख बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक मिनट 14/2/14 को इन्होंने बोले कि इसके जस्ट बाद से ही एक दो दिन बाद से आपको क्या बोलते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं 14/2/14 ही को ही पहुंचा था एडमिशन लेने और डायरेक्ट अगले दिन से मेरे को ट्रेनिंग डायरेक्ट बोले ट्रेनिंग में ही जाना है आपको करके, तो पैसा देना ही पड़ेगा करके। तो फिर गए हम लोग, ठीक है अब उस मैंने उस दिन 19,300 रुपये इनको 19,300 रुपये की इन लोगों को पैसा दिया और रसीद भी लिया। और जो है उसके बाद जो फिर कब दिए पैसा, उसके बाद में फिर इसके बाद अगले दिन 14/2 उसके बाद में फिर 14/2/15 को दिया फिर एक बार, और एक बार फिर 17/3/15 को दिया 5,000 रुपये। फिर इसके बाद में फिर रायपुर टिकरा पारा नगर निगम में ट्रेनिंग के नाम पे फिर इन लोगों ने 5,000 रुपये लिया था, जिसका कोई रसीद ही नहीं दिए मेरे को। कुल कितने रकम आपने दिए? मैं लगभग वही 29,500 रुपये कुछ दे चुका हूँ मैं इनको। और उस क्या कह रहे हैं और अब उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे को नोटिस भेजा हुआ है कि जो है इसमें नोटिस में दिया हुआ है कि जल्द से जल्द अपनी बची हुई फीस जो है ये इसमें भेजे थे बीच में कुछ दिन पहले 25/4/2016 के बाद आपका सर्टिफिकेट बीएसएस चेन्नई भेज दिया जाएगा। बल्कि ये जो इन लोगों ने पॉम्पलेट छपवाया हुआ है इसमें बीएसएस चेन्नई का कहीं भी जिक्र नहीं है। अभी अभी जो पैसे की मांग कर रहे हैं बचा हुआ फीस, किसे पैसे की मांग कर रहे हैं? ये लगभग वही 20,000 करीब फिर इन लोगों मांग कर रहे हैं उसके बाद में। और ये इसमें भारत सरकार की संस्था ये आगरा का बताता है और उसके बाद ये बीएसएस चेन्नई का सर्टिफिकेट देने का और ये इसमें जिक्र करता है, तो कुछ ये थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा हमारे कि ये किस टाइप का है करके। और इस तरीके से गुमराह करते गए इन लोगों ने, पैसा भी लिया और उसके बाद में ना ही अभी मेरे कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ नहीं दिए। तो आप फिर न्यायालय की शरण में कब गए? फिर मैं जब इन लोगों ने फिर पैसा मांगने लगे, एक तो इन लोगों ने बोले थे निःशुल्क रहेगा, उसके बाद में जब पैसे की फिर मांग करने लगे तब फिर मैंने सुपेला थाना गया। तो सुपेला थाना में भी कुछ ठीक ठाक नहीं समझ में आया तो फिर मैं कोर्ट उज्जवल पचकोड़े वकील साहब हैं उनके माध्यम से मैं फिर कोर्ट में याचिका दायर किया। तो उसके बाद में फिर उन्हीं के प्रयास से जो है आदेश हुआ इनके खिलाफ़ में 420 और भी अन्य कुछ धाराओं का, तो आदेश हुआ। तो उसके बाद आदेश की कापी लगभग 2019 में आदेश हुआ और 19 के बाद से फिर से यानी लगभग 2-3-4 सालों से फिर भी मैं घूमते ही रहा। उसके बाद में
वैशाली नगर थाना भी गया मैं, उसके बाद सुपेला थाना भी गया, तो कुछ ठीक ठाक नहीं समझ में आया। तो उसके बाद में फिर वकील साहब ने हाई कोर्ट में और भी जगह फिर आदेश की कापी भिजवाया। उसके बाद फिर उज्ज्वल पचकोड़े सर के माध्यम से फिर ये FIR हुई है। क्या चाह रहे हैं अभी मामले में आप? अब चाह रहे हैं सर कि जैसे आज तो मैंने लगभग 2014 के बाद से मैं रेगुलर प्रयास कर रहा था कि जो गलत हुआ है ये, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं, यदि अगर ठीक से अगर इनकी जांच की जाएगी तो बहुत सारे निकलेंगे। और इसमें इन लोगों के बहुत सारे लोग शामिल है, जैसे इनकी एक समिति भी आदर्श शिक्षा समिति करके है, एक वो है, और इन ये जो आदर्श शिक्षा समिति इनको संचालित करती है, जिसमें इसमें हर रसीद में और इनके जो और हैं उनमें सब में आदर्श शिक्षा समिति इनके पॉम्पलेट वॉम्पलेट सब में बहुत सारा लिखा हुआ है। अभी आप अपना पैसा वापस चाह रहे हैं या सर्टिफिकेट चाह रहे हैं? तो सर ये सर्टिफिकेट तो मेरे को लगता है ऐसा कोई काम का भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो 9 साल इन लोगों ने बर्बाद कर ही चुका है, पूरा 8-9 साल। तो अब मैं करूँगा क्या, मेरा तो उम्र भी लगभग 35 हो ही गई, उम्र भी काफ़ी निकल चुके हैं इन लोग। जिस समय मेरा मेहनत करने का था वो तो बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, तो अब मैं सर्टिफिकेट भी क्या करूँगा और पैसा भी क्या करूँगा इनका। अब यह है कार्रवाई अगर इन लोग किए हैं गलत, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।